बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू शेफ कुकिंग विद ईशा फारिस। ईद मुबारक टू एवरीवन। आज आपके साथ मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी लेके आया हूँ। ये रेसिपी बकरा ईद की जान है, हर कोई ईद पे ये जरूर बनाता है। इसे रोगनी या बटर नान के साथ जरूर ट्राई करें, बहुत ही क्विक और बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। चले जी, टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन कलेजी यानी लीवर मसाला रेसिपी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सॉल्ट एज टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, ड्राई मेथी के लीव्स 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली 4, लेमन जूस 3 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून, लार्ज टमाटो 2, लीवर 700 ग्राम, विनीगर 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। कलेजी की स्मेल खत्म करने के लिए इसमें सिरका और लहसुन का पेस्ट डालकर हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 20 मिनट कवर करके रख दें। आफ्टर 20 मिनट साफ पानी से इसे वॉश कर लें। एक बर्तन में ऑयल डालें और इसमें टमाटर डाल दें। इसको 2 मिनट के लिए सोटे करें। अब तमाम स्पाइसी शामिल कर दें, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, जीरा, चिली फ्लेक, सूखा धनिया, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, ग्रीन चिली डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसको ढक्कन से कवर कर दें और मीडियम टू लो हीट पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। 2 से 3 मिनट स्टीम के बाद इसमें से टमाटर के छिलके निकाल लें। टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लें। इसको 2 मिनट के लिए सोटे करें। अब कलेजी शामिल करें और इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लें। ढक्कन से कवर कर दें और मीडियम हीट पर 4 to 5 मिनट पकाएं। आफ्टर 4 to 5 मिनट स्टीम, अब इसे मजीद सोटे करें यहां तक कि ग्रेवी में से ऑयल अलहदा हो जाए। अब सॉल्ट और लेमन जूस डालकर इसे सोटे करें। सोटे करने के बाद अब इस पॉइंट पर इसमें मेथी और कुछ अदरक के स्लाइसेस काट के डाल दें। 4 to 5 मिनट के लिए लो हीट पर स्टीम दें। आफ्टर 5 मिनट ढक्कन हटाएं और इसमें धनिया शामिल कर दें और अच्छी तरह से हला दें। 1 मिनट पकाने के बाद डिश आउट कर लें। लें जी, तैयार है मज़ेदार मटन कलेजी मसाला। इसे रोगनी नान या बटर या गार्लिक नान के साथ ट्राई करें। इंशाल्लाह यू विल लव दिस यमी सुपर इजी रेसिपी। गार्निश इट एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। अल्लाह हाफिज। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें एंड लीव अ कमेंट। तो मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।